स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल लिव न्यूज पे। दोस्तों, सरकार की तरफ से एक नई फैसिलिटी लॉन्च की गई है, जिसकी वजह से अब आप घर बैठे अपने आधार में मोबाइल लिंक करा सकते हैं। किस तरीके से अब आप घर बैठे अपने आधार में मोबाइल ऐड या अपडेट करा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा IPPB। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यहां पे क्लिक करोगे आप, उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब आप यहां पे सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करके नॉन IPPB कस्टमर्स पे क्लिक करके डोर स्टेप बैंकिंग पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे आधार मोबाइल अपडेट वाला जो बॉक्स है इस पे क्लिक कीजिएगा और नीचे की तरफ आइएगा। यहाँ पे अपने नाम के आगे क्या लगाते हो, मिस्टर लगाते हो या मिसेज लगाते हो, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप मेल हो तो मिस्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट नेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा जिसको आप ऐड कराना चाहते हो आधार में, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ सकते हो इसको। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस अपना डाल दीजिएगा, जो आपका प्रॉपर एड्रेस है। एड्रेस अगर लॉन्ग है तो बाकी का एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद पिन कोड डालिएगा। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ जाती है। यहाँ पे एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में आप डाल सकते हो आधार मोबाइल अपडेट या आधार मोबाइल नंबर लिंक, जो भी आप डालना चाहते हो वो आप इस बॉक्स में डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स है इस पे क्लिक करोगे, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा। कैप्चा अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज आप कर सकते हो। तो ये सभी डिटेल हमने यहाँ पे डाल ली है। अब सबमिट पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है, योर सबमिशन हैज बीन सक्सेसफुल, थैंक्स, वी हैव रिसीव्ड योर सबमिशन। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब कुछ दिन के अंदर ही जो पोस्ट ऑफिस है वहां से पोस्टमैन आएगा, वो आपकी बायोमेट्रिक करेगा। और जैसे ही बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगी सक्सेसफुली, उसके कुछ दिन के अंदर ही आपके आधार से मोबाइल लिंक हो जाएगा। अगर पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन नहीं आता है, काफी टाइम हो गया पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन नहीं आया है, तो उस केस में आप पोस्ट ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं या वहां पे आप जा सकते हैं और उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस तरीके से मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, एप्लीकेशन फिल की थी, लेकिन यहाँ से कोई भी बंदा नहीं गया है बायोमेट्रिक के लिए। तो हो सकता है वो आपका बायोमेट्रिक वहीं पे कर ले, और जैसे सक्सेसफुल बायोमेट्रिक हो जाएगी तो उसके कुछ दिन के अंदर ही आपके आधार से मोबाइल ऐड हो जाएगा। वो इसके लिए आपसे कुछ चार्जेज लेंगे, चाहे पोस्टमैन आपके एड्रेस पे आए या आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़े, तो वो आपसे कुछ चार्जेज ले सकते हैं। तो मिनिमम इसका 50 रुपये चार्ज है, तो 50 रुपये वो आपसे चार्ज कर सकते हैं, 50 रुपये वो आपसे इसके लिए ले सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी सोशल साइट पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अबाउट पे क्लिक कीजिएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हैं। अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है सरकारी बोल, SARKARIBOL। तो ये आप सर्च कीजिएगा, वहां पे आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी तो वहां पे भी अपडेट कर दी जाती है। बाकी प्लेलिस्ट की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखे, इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।